सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड जैसा कि आप जानते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद आज थर्ड मेरिट लिस्ट आना है। थर्ड मेरिट लिस्ट आने का जो आपका डेट है, आज कह सकते हैं अपना क्या है, 24 जून है। 24 जून को आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद कल 25 जून, कल छुट्टी, 26 जून से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये एडमिशन फिर से आपका 2-3 दिनों तक एडमिशन चलेगा। ये पूरा आपका सेटअप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे की बात कर रहे हैं, आगे के बारे में बात को समझिएगा सही से। अब सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद फर्दर क्या अपडेट है इसे समझिए। बताया जा रहा है पेपर का हमारे पास कटिंग है, पेपर का नाम है दैनिक भास्कर, और ये पेपर का कटिंग आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ों को समझ सके। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। किसी के भी थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे जो कॉन्टैक्ट करने के प्रोसेस है, सारे जो कॉन्टैक्ट करने का तरीका है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीन्स इंस्टाग्राम का आईडी, टेलीग्राम का आईडी और व्हाट्सएप का नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर वाले इन्फॉर्मेशन में, जिसमें क्या सारी बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में दूसरे राउंड के बाद 3224 नामांकन, थर्ड मेरिट लिस्ट आज। टोटल सीट जो अपना था वो 4796 सीट था, और 4796 में अगर आप 3224 के आसपास घटाते हैं, थोड़ा बहुत सीट ऊपर नीचे है उसको आप मेंशन नहीं कीजिएगा, मतलब 2-4-10 सीट आगे पीछे रखे कोई बात नहीं, 6 में से 4 गया 2, फिर अपना 7, फिर अपना 5 और फिर अपना 1, यानी 1572 के आसपास अभी भी सीटें वैकेंट है। मैं आपको बार बार लगातार बताता हूँ कि आप अपना एक आखिरी उम्मीद तक लगा दीजिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होता है, कॉम्पिटिशन का जमाना है, कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आता है, ठीक है। और आपको इस एडमिशन का कीमत भी आपको पता चलेगा कि कितना आप एडमिशन लेने के लिए जिद्दोजहदत किए हैं। इसलिए आप एडमिशन की आखिरी उम्मीद तक ना छोड़े, आप परेशान नहीं होइएगा। अभी एक एडमिशन नहीं, अभी अपना तीसरा लिस्ट का एडमिशन है, जिसमें लगभग 1572 यानी 1600 के आसपास सीटों पर एडमिशन होना है। आई चैलेंज, मैं आपको यह चैलेंज करता हूँ कि 1600 में तकरीबन 700 के आसपास ही एडमिशन होगा। फिर भी 700 से 900 के आसपास रखिए, फिर भी सीटें 700 के आसपास बचती है, जो कि सीट पर एडमिशन होता है स्पॉट एडमिशन से। स्पॉट एडमिशन के बाद भी एडमिशन होता है जिसका नाम होता है कैजुअल एडमिशन। कैजुअल एडमिशन के बाद भी एडमिशन होता है जिसका होता है एडमिशन अगेंस्ट डी रिजर्वेशन। अभी लगभग 4 फेज एडमिशन अभी भी होगा, और ये जो एडमिशन का पूरी कहानी है वो लगभग जुलाई के 20 तक चलेगा, क्योंकि जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा तो यहां से जो सीट पे जो एडमिशन हुआ है, वो एडमिशन का जो सीट है, वो बच्चे एडमिशन कैंसिल करवा करके वो सीट को वैकेंट करेंगे। एंड इसमें भी आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि अच्छे अच्छे ऑनर्स का सीट खाली होता है, लाइक पोल साइंस, लाइक हिस्ट्री, लाइक मैथ, लाइक फिजिक्स, लाइक जुलॉजी, लाइक बीकॉम रेगुलर, मतलब जिस भी स्टूडेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, तो आप खुद सोच करके बताओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी का हो रहा है तो वो पटना यूनिवर्सिटी में क्यों रुकेगा। और मैं ये आज से नहीं देख रहा हूँ, ये मैं 2019-20 से देखते आ रहा हूँ। जिनका BHU में होता था वो एडमिशन कैंसिल करवा करके जाते थे, वो सीट बचता है, वो सीट पर एडमिशन होता है कैजुअल से। तो इस तरीके का अभी 4-5-3 अभी तो मतलब टोटल एडमिशन के बारे में बात करूँ तो थर्ड लिस्ट के बाद थोड़ा सा 3-4-5 दिन का गैप होगा, जिसमें होगा कोटा का एडमिशन। कोटा का एडमिशन के बाद फिर होगा स्पॉट का एडमिशन। स्पॉट का एडमिशन के बाद होगा कैजुअल का एडमिशन, मतलब जो सीट वैकेंट होगा, एडमिशन जो कैंसिल होगा। इसके बाद होगा डी रिजर्वेशन, मतलब सीट है SC ST का, सीट है आपका हैंडीकैप्ड का, लेकिन उसके बच्चे नहीं उस कैटेगरी के, तो दूसरे कैटेगरी के बच्चे लेंगे, तो ये डी रिजर्वेशन। तो 1 फेज, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज, टोटल 4th फेज में अभी भी एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में होगा। और आपको बता दे अभी सीटों के बारे में, तो 1572 मैंने देखा था, अभी मैंने कैलकुलेशन किया था, ये अपना 1572 सीट प्लस 18% सीट रिजर्व होता है कोटा के लिए, तो टोटल जो सीट है 4796 में 18% और ऐड कीजिए तो लगभग 600 सीट और आप ऐड कर दीजिएगा। इतना के आसपास अभी सीट वैकेंट है जिसपे एडमिशन अभी पटना विश्वविद्यालय में अगले 4 फेज में होगा। अभी बस लिस्ट वाला का एडमिशन हुआ है, ये बस थोड़ी सी अंदर की बात मैंने आपको बता दी। हालांकि थोड़ी सी
डिस्कशन अपनी लंबी चौड़ी हो गई, कोई बात नहीं, अब थोड़ा से पेपर के इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए तीसरी और अंतिम सूची, यानी ये जो लिस्ट वाला एडमिशन है इसका ये अंतिम है, इसके बाद कोई सूची जारी नहीं की जाएगी, ये आपका आज जारी किया जाएगा। और विश्वविद्यालय में टोटल यहाँ 4531 सीट बताया जाता है, लेकिन पेपर वाले अलग अलग इन्फॉर्मेशन को बार बार बताते हैं। मैं टोटल सीट जो बता रहा हूँ वो 4796, आप रेगुलर वोकेशन को जोड़ दीजिएगा हर पेपर वाले जो पिछला अगला साल का है, क्योंकि पिछले साल ये सीट बढ़ा था, ये 4531 पिछले साल का अपडेट है, सीट पिछले साल बढ़ा था और उस सीट पर एडमिशन इस बार से हो रहा है, तो 4796 टोटल सीट है। आगे बढ़ते हैं तो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में 17-23-25 के लिए 23-27 होगा के लिए दूसरे राउंड के बाद 3204 एडमिशन हुआ, और इसमें बताया जा रहा है 1307 सीटें वैकेंट है, क्योंकि ये जो सीट बढ़ा है उसको कंक्लूड नहीं किया, मैंने अभी कैलकुलेट कितना किया था 1572 सीटें अभी वैकेंट है। तो अगर मैं सीटों के बारे में बात करूँ कि कौन से कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ है, कितना सीट खाली, ये समझिए। अगर मैं बात करूँ बीएन कॉलेज में, तो बीएन कॉलेज में जो टोटल एडमिशन हुआ है, इससे मैं बता रहा हूँ समझिएगा, बीएन कॉलेज में टोटल एडमिशन हुआ है 752 और यहाँ सीटें वैकेंट है 378, तो यहाँ भी सीट खाली है 378, यानी 400 सीट खाली है। अच्छा अच्छा ऑनर्स भी है, तो आपको टेंशन लेना नहीं, हम आपके एडमिशन के लिए लगातार आपको अपडेट देंगे, लगातार कैसे आपका एडमिशन होगा वो मेरा काम है। पटना कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज के बारे में बात करें तो 615 सीट पर एडमिशन हुआ है, अभी भी यहाँ 135 सीट खाली है। आगे बढ़ते हैं वाणिज्य में, तो वाणिज्य में जो टोटल एडमिशन हुआ है वो आपका 365, अभी भी इसमें सीट खाली है, 365 के बाद तकरीबन इसमें 200 के आसपास सीट खाली है वाणिज्य में। आगे बढ़ते हैं मगध महिला में टोटल 801 एडमिशन हुआ है, अभी भी यहाँ 335 सीटें अभी भी खाली है। बता दें आपको प्रोफेसर अनिल कुमार यानी जो DSW है, आपको बता दें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है एडमिशन में, या एडमिशन लेने के बाद कुछ भी आपको दिक्कत होता है पटना यूनिवर्सिटी में, तो आपको किससे हेल्प लेना है, DSW, जिसका नाम ही होता है डीन स्टूडेंट वेलफेयर, यानी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है बेधड़क जाकर के मिलिए, अपना प्रॉब्लम बताइए और वो उसका सॉल्यूशन देंगे, ये यूनिवर्सिटी का नियम कायदा कानून कहता है। तो आप 1% भी हिचकिएगा नहीं कुछ भी पूछने में, बेधड़क इनके चैम्बर में जाइए और पूछिए, इनका चैम्बर कहाँ है, पटना यूनिवर्सिटी में। आगे बात कर दे, अब आगे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी आज की जाएगी, और थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आगे का जो एडमिशन है वो आपका स्पॉट राउंड होगा, लेकिन स्पॉट राउंड पहले क्या होगा, कोटा का एडमिशन। तो कोटा का एडमिशन के लिए मैं बताता हूं, जो भी स्टूडेंट्स कोटा के लिए अप्लाई किए थे, लाइक डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, इसके बाद स्टाफ कोटा, इस कोटा से अगर जो भी अप्लाई किए होंगे तो उनके मोबाइल पर ईमेल जाना स्टार्ट, मंडे ईमेल जाना स्टार्ट, लगभग 29 के बाद से अपना ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंच जाइए। तो आई सजेस्ट आप अपना जीमेल बॉक्स भी चेक करते रहिएगा, वहां पे मैसेज आपका पटना यूनिवर्सिटी से जाएगा। तो ये कुछ एडमिशंस को लेकर के अपडेट था, बाकी थर्ड मेरिट लिस्ट आता है शाम तक आएगा आपका 7 बजे के आसपास तक में, फिर मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, बाकी अगर किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करने का नंबर है 9065179925। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने फर्स्ट लिस्ट के बाद सपोर्ट किया, फर्स्ट लिस्ट में भी सपोर्ट किया, और कई सारे स्टूडेंट्स का मनपसंदीदा कोर्स में एडमिशन हुआ है इसी पटना यूनिवर्सिटी में, और मेरे कई सारे कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, ये आपको भी पता होगा। मैं किस तरीके से आपको अपडेट कर रहा हूं, मैं किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को बताता हूं, वो आप अनुभव कर भी रहे होंगे। फिलहाल में अगर आप वीडियो को सही से देखे होंगे, अगर सारी चीज़ों को समझ में आता है, एक वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। फिलहाल में मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।